नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी परिवहन विभाग भर्ती 2019 का इंतजार कर रहे हो तो फिर से आपके रोडवेज विभाग में एक भर्ती यहां पर आ चुकी है। खुशखबरी, 2019 की ये पहली भर्ती, आप इसे मान सकते हो दोस्तों, खुशियां मनाओ। जी हाँ दोस्तों, योग्यता इस बार आपकी 10वीं पास रखी गई है। 18 से 35 वर्ष वाले सभी अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कुल पदों की बात करें तो 5,740 पदों पर आपके ड्राइवर और कंडक्टर के पदों पर यह भर्ती होने वाली है। वेतन की बात करें दोस्तों, यहाँ वेतन आपको 18,000 से 40,000 रुपए के बीच में आपको वेतन मिलने वाला है। परिवहन मंत्री ने एक बड़ा नोटिस यहाँ पे दिया है, वो नोटिस में आपको दिखाने वाला हूँ कब से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाले। सारी चर्चा दोस्तों स्टूडियो में आज हम करने वाले। तो दोस्तों, अगर आप भी रोडवेज विभाग भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी स्टूडियो में देने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे दोस्तों। चैनल पर भी आप नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ में दोस्तों अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो रोडवेज में 6 साल से नहीं हुई आपकी भर्ती, अफसर से लेकर कर्मचारी तक 5,740 पद अभी खाली है। तो दोस्तों, ये पद आपके जल्दी भरे जाएंगे। तो कब तक भरे जाएंगे पूरी न्यूज में आपको बता देता हूँ। और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, रोडवेज में 6 साल से नहीं हुई भर्ती, अफसर से लेकर कर्मचारी तक 5,740 पद खाली है। राजस्थान रोडवेज में एक तरफ जहाँ बसों की संख्या घटती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बसों को चलाने वाले स्टाफ की संख्या भी। पूरी बात के दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, राजस्थान रोडवेज में इस तरह जहां बसों की संख्या घटती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बसों को चलाने वाले स्टाफ की संख्या भी बहुत ही कम होती जा रही है। प्रदेश में परिवहन के साधनों के लिए जनता की लाइफलाइन रही रोडवेज अब सिमटती जा रही है। हजारों पद रिक्त होने से बसों का संचालन यहां पर कम हो रहा है। साथ में राज्य सरकार यदि इच्छा शक्ति दिखाए तो प्रदेश के करीब 5,000 युवाओं को राजस्थान रोडवेज में रोजगार दिया जा सकता है। रोडवेज गत 6 साल में करीब 6,000 कार्मिक रिटायर हो चुके। 6 वर्ष पहले रोडवेज में कर्मचारियों और अधिकारियों के कुल स्टाफ की संख्या लगभग 20,000 थी, वही अब केवल 14,000 कार्मिक यहां पर बचे। बड़ी संख्या में चालक और परिचालकों व अन्य स्टाफ के रिटायरमेंट होने से बसों के संचालन पर असर पड़ रहा है। रोडवेज में अंतिम भर्ती आपकी हुई थी वो 2013 में दोस्तों हुई थी, उसके बाद में यहां पर कोई भर्ती नहीं, इसके बाद में कोई नई भर्ती रोडवेज में नहीं की जा सके। इस कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। उधर पर आपके रिक्त पड़े विभाग के कैडर स्टाफ के हिसाब से बात करें तो स्वीकृत पदों में से वर्तमान में 5,740 पद तो भी रिक्त चल रहे, उसके अलावा आपका रोडवेज प्रशासन में से 4,960 पदों पर भर्ती करना चाह रहा है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, यहाँ पर 4,960 पदों पर आपका रोडवेज विभाग है वो यहाँ पर भर्ती करने वाला है। इसे लेकर पिछले 3 साल में कई बार राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है, लेकिन मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। उधर 6 साल रिक्त हो गए रोडवेज में 5,740 पद। अब अलग अलग बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर में कितने कितने पद खाली है। तो सबसे ज़्यादा आपके रोडवेज और कंडक्टर के 8,893 पद स्वीकृत है, इनमें से 2,682 पद अभी रिक्त है। आर्टिजन ग्रेड तृतीय के 1,624 पद यहां पर स्वीकृत है, जिनमें से 890 पद आपके रिक्त है। उधर आर्टिजन ग्रेड द्वितीय के 1,590 पद है और 1,029 पद यहां पर रिक्त पड़े हैं। उधर कनिष्ठ अभियंता की बात करें तो यहां पर 54 पद आपके स्वीकृत है और 49 पद यहां पर खाली पड़े हैं। कनिष्ठ अभियंता बी के 207 पद स्वीकृत है, इनमें से 131 पद है रिक्त। सहायक अभियंता निर्माण के 5 स्वीकृत पदों में से 4 पद रिक्त पड़े। उधर कनिष्ठ अभियंता निर्माण के आपके 6 स्वीकृत पदों में से 4 पद अभी रिक्त पड़े। उधर कनिष्ठ विधि अधिकारी के 45 स्वीकृत पदों में से 36 रिक्त पद अभी पड़े। स्टेनोग्राफर के 19 रिक्त स्वीकृत पदों में से 18 पद अभी रिक्त है। कनिष्ठ लेखाकार के 230 स्वीकृत पदों में से 202 पद रिक्त है। संगणक के 148 स्वीकृत पदों में से 64 रिक्त पद अभी पड़े हैं। उधर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कलरकों की, तो यहाँ पर आपके कलरक ग्रेड द्वितीय के 1,081 स्वीकृत पदों में से 632 पद अभी रिक्त चल रहे। उधर भर्ती करने से सरकार से किया मना, रोडवेज प्रशासन में रिक्त पड़े 5,740 पदों के विपरीत 4,960 पदों पर भर्ती के लिए अनुमति मांगी है। उधर इन रिक्त पदों के अलावा चालकों के भी करीब 2,500 पद रिक्त पड़े, लेकिन बसों का संचालन प्रभावित नहीं हो इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने चालक अनुबंध पर लगाए
हुए। दरअसल राज्य सरकार द्वारा रोडवेज को रोडवेज की भर्ती की अनुमति इस वजह से नहीं दी जा रही क्योंकि रोडवेज की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। नई भर्ती किए जाने पर रोडवेज पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है, तो यहाँ पर आपकी नई भर्ती आएगी तो दोस्तों यहाँ पर 5,740 पदों पर यह भर्ती आने वाले, जिसमें आपके 2,500 तो अकेले चालक और परिचालक के यहाँ पर पद है। उसके अलावा आपके सभी सेक्टरों में यहाँ पर टेक्निकल है, आपके ITI वालों के कलर्क और यहाँ पर आपके AN और JN इन्हीं सभी के पदों की आपके खाली पड़े। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।